डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव के बारे में डिस्कस किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इस वीडियो में हम सिमेट्रिक से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ X R Y, then Y R X for all X Y belongs to A। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि X R Y मतलब अगर मेरे पास कोई भी पेयर है इस तरीके से, X की वैल्यू लेट्स से 1 है और Y की वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 दोनों क्या है? R से रिलेटेड, मतलब ये रिलेशन का पार्ट है। अगर 1 2 जो है वो रिलेशन का पार्ट है तो 2 1 भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। मतलब 1 2 अगर रिलेशन का पार्ट है तो y x का मतलब क्या है? 2 इधर आ गया, x इधर आ गया, तो यानी इसका जो उल्टा है वो भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। उसी को यहां पे लिखा हुआ है, इफ x y बिलोंग्स टू r, वही चीज होगी। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये इजी है। XY belongs to R, then YX must belongs to R. For every XY belongs to A, where A is what? A set. ठीक है? तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर XY part है ना R का, तभी YX part होना चाहिए। अगर XY भी नहीं है R का part, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो symmetric कब एक तरह से trigger होता है? ट्रिगर तभी होगा जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है। अगर एक्स वाई भी आर का पार्ट नहीं है तो वाई एक्स को हमने चेक ही नहीं करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे एक्स वाई पार्ट हो गया आर का, वहां पे वाई एक्स भी होना चाहिए। ये पॉइंट जो है वो नोट्स में अपने लिख लेना, क्योंकि ये जो एक दो लाइन्स है ना, इन्हीं से आपको हमेशा याद रहेगा सिमेट्रिक क्या होता है। जैसे देखो, सेट है ए, 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स है। लेट्स से अगर मुझे इसके ऊपर, अब ए क्रॉस ए में आपको पता है 16 एलिमेंट्स टोटल आएंगे। लेट्स से R1 एक रिलेशन है और मुझे उसको सिमेट्रिक बनाना है, तो लेट्स से मैंने ले लिया उसमें 1 2। अब देखो, अगर 1 2 है मतलब XY है तो YX होना चाहिए, 1 2 का उल्टा क्या है? 2 1, तो 2 1 भी इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। तो देखो 2 1 भी इसका पार्ट है। अगर 2 1 यहां पे ना होता, मतलब इस पूरे में 2 1 ना होता, तो हम कह देते इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो बस एक एक करके चेक करना है। ऐसी आपको रिलेशन जो दिया होगा ना क्वेश्चन में, उसी में आपको चेक करना है। देखो 1 3 अगर लिखा हुआ है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो देखो 3 1 है कहीं पे, यस 3 1 भी यहां पे है, मींस इट इज फाइन। नेक्स्ट देखो 2 1 लिखा हुआ है तो 2 1 ऑलरेडी चेक हो गया, क्योंकि 2 1 का उल्टा 1 2 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। 2 2, अब आपको लगेगा कि सर ये 2 2 या 1 1 ये जो पेयर्स होते हैं ये तो गाइस बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक में हो गए। क्यों? 2 2 का मतलब है एक्स वाई, तो अगर इसका उल्टा भी करोगे तब भी 2 2 ही आएगा, तो यानी ये वाले पेयर तो आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हो सिमेट्रिक में होंगे। जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक में तो होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में गाइज हमेशा क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3, मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होने चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक के केस में हम तभी चेक करते हैं अगर एक्स वाई पार्ट है। अगर कुछ भी नहीं है, लेट्स से अगर मैं आर टू ले लेता हूं ब्लैंक, मैंने एक रिलेशन ले लिया, उसमें मैंने कोई भी पेयर नहीं लिया, आपने यहां पे नल एक तरह से सेट ले लिया, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस, ये भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई अगर पार्ट है तभी वाई एक्स पार्ट होना चाहिए। यहां तो भैया एक्स वाई नहीं है तो वाई एक्स को चेक करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो यानी ये सिमेट्रिक का पार्ट है। लेकिन अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे, नहीं ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 4 4, उसमें वो कहते हैं कि सारे होने चाहिए। यहां पे हम सिर्फ एक्स वाई अगर है तभी वाई एक्स होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप और बनाना चाहते हो, तो लेट से आपने ले लिया 2 3 ले लिया, लेट्स से अगर आपने 2 3 ले लिया, तो गाइज 3 2 भी मस्ट है कि वो होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा लेट्स से आपने 1 1 ले लिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 1 आया। बट क्या ये सिमेट्रिक है? यस, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 भी आ गया। गेटिंग द पॉइंट नोट? तो इस तरीके से आपको कोई भी, लेट्स से अगर आपको दे दें 1 2, ठीक है, 1 3 3 1, इस तरीके से आपको दे दें, तो देखो 1 2 का उल्टा क्या है? 2 1, 2 1 है यहाँ पे, नहीं है, तो आप क्लियर कट बोल सकते हो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी सिमेट्रिक की। एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि लेट्स सी देयर इज अ रिलेशन परपेंडिकुलर टू, देयर इज अ रिलेशन परपेंडिकुलर टू ऑन अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं? कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सी अगर लाइन 1 है
और लाइन टू अगर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका उल्टा भी परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर लाइन वन जो है लाइन टू के क्या है परपेंडिकुलर है, तो भैया ऑब्वियसली जैसे इस तरीके से आप बनाओगे ना, परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, अगर लाइन वन लाइन टू के परपेंडिकुलर है तो भैया लाइन टू भी तो लाइन वन के क्या हुई, परपेंडिकुलर ही हुई। तो अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, तो मींस इस तरीके का रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक। ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि जैसे परपेंडिकुलर है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया ब्रदर ऑफ सेट, आपको दे दिया लेट्स से सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग और आपको दे दिया रिलेशन ब्रदर ऑफ, तो बताओ भैया ब्रदर ऑफ इज सिमेट्रिक ऑन अ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग? नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्यों? लेट्स से अगर एक्स वाई का ब्रदर है, एक्स वाई का ब्रदर है, तो जरूरी नहीं है कि वाई भी एक्स का क्या हो ब्रदर, वाई एक्स की सिस्टर भी हो सकती है। तो यानी इस केस में आप कह सकते हो कि ये जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, लेकिन परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल आप बोल सकते हो कि यस इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे कॉम्प्लीमेंट वाला कि अगर एक सेट है दूसरे सेट के कॉम्प्लीमेंट है तो दूसरा भी एक्स के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जैसे एक्स प्लस वाई आपको दे दें, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा, x बार y बार। तो क्या x बार y बार इसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्वियसली अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली उल्टा होगा। तो यानी इस केस में आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, रिलेशन सिमेट्रिक है। तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी कितने सिमेट्रिक होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।